सियासता में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसके दिल में ख्वाहिश होना कि बंदे मेरे आने पे खड़े हो, वो बंदा जहन्नमी है। ये नफ्स की ये ख्वाहिश फान ले कि मैं आऊँ तो जनाब दुनिया खड़ी हो जाए। इनसे अब संजीदगी, अच्छा तरीका, खूबसूरत, बहुत सारी महफिलों में लोग मेरे पीछे दौड़ते हैं मिलने के लिए, और मैं चाहता भी हूँ कि सबसे मिल लूँ, लेकिन दो तीन चीज़ें होती हैं। एक तो बाज़ोकात इंतज़ामी मामलात होते हैं, दोस्तों का ख्याल होता है, इंतज़ामी लोगों का ख्याल होता है कि जलसा मुंतशिर होना चाहिए, लोग ज़्यादा हैं तो ये मुंतशिर हो जाए। दूसरा ये होता है कि एक जगह जाना नहीं होता, कई जगहों पे जाना होता है एक देर, तो जिस दूसरी जगह जाना होता है वो ये तो पूछते ही नहीं है कि आप निकले कि नहीं निकले, ये नहीं पूछते, वो तो पूछते ना कितने पहुँचे हो, ये पहला सवाल वो करते ही नहीं कि आप वहाँ से निकले कि नहीं निकले, वो तो पूछते हैं कि तुम पहुँचे कितने हो। तो अब चूँकि आगे जाना होता है तो इसलिए रुकना और सबसे मिलना बाज़ोकात ये नहायत मुश्किल होता है। बाकी ये कि मैं फिर एक दफ़ा अर्ज़ करूँगा, और मैं कोई किसी किस्म की मेरी तबीयत ही नहीं है इस तरह का कोई माहौल बनाने की, मैं सच मुझ समझता हूँ कि आप देखें ना बेलोस लोग आए हैं और बहुत सारे लोग दूर बैठे हैं, जगह भी ठीक नहीं मिली, खड़े होकर सुन रहे हैं, तो मुझे तो पता है ना जो रब और रसूल की रज़ा के लिए तकलीफ कहता है उसे अल्लाह अजर कितना आता हो। आप बड़े कीमती लोग हैं, कोई बंदा भी ऐसा नहीं जो ऐसा हो कि मैं समझूँ कि मैं उस बंदे से अफजल हूँ। अल्लाह ताला आप सबको बरकत अता करे, आपको अल्लाह अपनी रहमत अता फरमाए। दो चार बातें मुख्तसर से वक्त में आपकी खिदमत में अर्ज करनी है। अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान को पैदा किया है, इंसान का जब शऊर बेदार हो जाता है ना तो फिर वो मारिफत चाहता है। जब तक चीज़ों की मारिफत उसे हासिल नहीं होती और सबसे बढ़कर अपनी मारिफत हासिल नहीं होती, वो बेचैन रहता है। आप कोई भी काम कर रहे हों, कहीं भी आप निकले हुए हों, तो आप चाहते हैं मकसद ज़िंदगी का पता चले, हम क्यों करवाएं। बहुत सारी दौलत कमाने वाले लोग, अरे बेटे आप बैठ जाओ, अल्लाह आपको सलामत रखे, आप से मिलेंगे बाद, लेकिन अच्छा नहीं लगता ना एक आदमी से इस तरह खिदमत देना, अल्लाह आपको बरकत। मेरे भाई, इंसान को जब तक मारिफत नहीं ना हासिल होती कि यार ये जो हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये जो हम दुनिया में इंसान आता है, वक्त गुजारता है, चला जाता है, क्या मकसद है, जब तक वो इससे आशना नहीं होता, फिर वो तलाश करता है, ढूंढता है कि मुझे बनाने वाला कौन है, रिस्क देने वाला कौन है, अता करने वाला कौन है, मेरे शऊर को बुलंद करने वाला कौन है, वो कौन ज़ात है जिसके हुक्म से मैं वापस लौट जाऊँगा, वो ढूंढता है, तलाश करता है। और जब तक ये मारिफत नसीब नहीं होती, उतनी देर तक इंसान बेचैन और बेकरार रहता है। अल्लाह ताला ने हम पर करम फरमाया और हमें अपने प्यारे महबूब अता किए। रब फरमाता है ये महबूब पता क्या करेंगे, वदाइयन इलल्लाह बिइज़्निही, ये तुम्हें रब की तरफ दावत देंगे उसके इज़्न से, ये तुम्हें अल्लाह की जानिब बुलाएंगे, ये तुम्हें मार्फत इलाही देंगे, तुम्हें मकसद हयात समझाएंगे, तुम्हें बताएंगे तुम्हारा पैदा करने वाला कौन है, पालने वाला कौन है, शऊर देने वाला कौन है, ये महबूब तुम्हें मारिफत देंगे, किसकी तरफ से तुम आए हो और किसकी तरफ तुम्हें लौट कर जाना, ये महबूब दाइये इलल्लाह व सिराजम मुनीरा, और उनकी हिदायत इतनी बुलंद है कि हमने इन्हें चमकता हुआ आफताब बना के भेज, हर चीज रोशन करके दिखाई। रसूल पाक मारिफत के सारे दरवाजे खोले। नबी पाक अलैहि सलाम ने लोगों को आशना किया कि तुम्हें पैदा करने वाला रब करीम है, और उसने सिर्फ तुम्हें पैदा ही नहीं फरमाया, वो तुमसे मोहब्बत भी बड़ी करता है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते अल्लाह ने मखलूक को पैदा करने से पहले अपने पास अपने अर्श पर यह तहरीर लिख दी थी कि लोगों याद रखना मेरा गजब ज्यादा नहीं है, मेरी रहमत ही ज्यादा है, मेरे गजब पर मेरी रहमत का गलबा है। उसने तुम्हें पैदा किया है और वो करीम है, वो मेहरबान है, वो सत्तार है, वो माफ करने वाला, उसकी मारिफत भी।
नबी पाक अलैहिस्सलाम ने लोगों को, और एक बार याद रखना क्योंकि हमें मुफ्त में मिला है अकीदा तौहीद और रिसालत, हमें बगैर जद्दोजहद के, रिसर्च के, तहकीक के मिला है अकीदा आखरत, हमें इसकी कदर नहीं है। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा तकलीफ में वो लोग होते हैं जो गुमराह होते हैं। गुमराह का माना क्या है सादा? जिसका राह गुम हो जाए। मुझे बताओ जिसका रास्ता ही गुम हो जाए, भटकता नहीं फिरता वो बंदा। जो दुनिया में गुमराह लोग हैं, गुमराह, और ऐसा नहीं कि वो लोग गरीब हैं या अनपढ़ हैं। आप दुनिया में घूमे, पीएचडी बंदा, दुनियावी तौर पर बहुत बड़ी डिग्री, मालदार, कई मुल्कों में बिजनेस, लेकिन शाम को पूजा किसकी करता है? माजल्ला बुद्ध की, पत्थर की। खड़ा किसके सामने होता है? पत्थर के। खुदा का शुक्र अदा करें, हमें खुद से कोशिश करके हिदायत ढूंढनी पड़ती तो बड़ी मुश्किल थी। रब ने फजल किया है, मदीने वाले महबूब की उम्मत में पैदा फरमा दिया। ये जो रास्ता वाजे नजर आया है, खुला हुआ नजर आया है, हिदायत के मीनारे नजर आए हैं, ये बहुत बड़ा एहसान है अल्लाह ताला। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने जो हमें नमाज का, सजदे का, रोजे का, सदकात का, अल्लाह की तरफ उसे राजी करने के लिए किसी भी अमल का जो हुजूर ने सबक पढ़ाया, तो ये हमारे लिए रास्ता आसान हो गया। आसान। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दिलों की खेती को आबाद कर दी, आंखों में जो गुमराही के पर्दे आने वाले थे वो हटा दिए सारे। हमें बताया कि हमें पैदा करने वाला खालिक व मालिक है, हमें महबूब ने आजाद कर दिया, आजाद, आजाद कर दिया दुनियादारों के, सेठों नवाबों के बखेड़ों से, आजाद किया सियासतदानों के चुंगल से। हुजूर ने हमें बताया कि तुम्हें रिस्क भी वही देगा, इज्जत भी वही देगा, तुम्हें उरूज भी वही देगा। अगर कहीं कमजोर पड़ोगे तो अल्लाह की हिकमत का तकाजा होगा। आजाद कर दिया, आजाद, आजाद हो गए लोग। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ना मुझे फरमाया था, और नौजवान दोस्त जितने यहां बैठे हैं ना उनसे मैं गुजारिश करूंगा इस हदीस को रट्टा लगा के याद करने, रट्टा, और इसको दो दफा तीन दफा दिन में जरूर दोहराए, यह आपको ताकतवर करेगी, आपको आपको कभी अमीर रिश्तेदार देखकर परेशानी नहीं होगी, आप कभी जालिम को देख के परेशान नहीं होंगे, आपको कभी मालदारों को देख के डिप्रेशन और एंजाइटी नहीं होगा, आपको कभी किसी सियासतदान की पजारों के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, आप कभी किसी मालदार आदमी की चापलूसी नहीं करेंगे। आप ये रट्टा लगा के याद कर लें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, ऐ मेरे बेटे, हुजूर फरमाने लगे सारे दुनियादार मिल के भी तेरा कुछ सवार ना चाहे सवार नहीं सकते जब तक रब ना चाहे। ये याद कर लें आप। और हुजूर फरमाने लगे सारे दुनियादार मिल के तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते जब तक अल्लाह की हिकमत। तो क्यों डरे दुनियादारों से, क्यों परेशान हो सियासतदानों से, क्यों हम इधर उधर भागे, क्यों कमजोर पड़े, क्यों कच्ची बातें करें, जब रिस्क अल्लाह देगा, इज्जत अल्लाह देगा, रसूल पाक ने उसकी मारिफत दिखाई है, फिर कमजोर पड़ना, कच्चे पड़ना। ये जो अल्लाह के नेक बंदे होते थे ना, इसीलिए तो पक्के होते, कच्चे मकान में सुकून से सोते, एक रोटी खा के नींद मजे की आती, असी किसे दे कुछ नहीं जी लगते, ना कोई साडा दर भी, कोई जरूरत ही नहीं, इधर उधर नजर झुकानी कोई नहीं, परेशान होना ही नहीं, तकलीफ में आना ही नहीं। हारून रशीद हज करके आ रहा था, बादशाह था ना, तो ये बड़ा मजा आता है बाज लोगों को ना, लोग नारे शारे लगाए, गाड़ी के आगे पीछे भागे, ये वजीरों को नहीं, ये पीरों को भी बड़ा मजा आता है। ओए फो